लुक एट दिस, क्या जबरदस्त पानी जा रहा है यार। सिर्फ देखो यार क्या बढ़िया जगह है, ये देखो क्या बात है भाई। अरे ये तो खतरनाक हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाइक का कूल स्टार्ट हो गया है, अपन रेडी है निकलने के लिए। थंबनेल आपने देख लिया है, बहुत दिनों के बाद राइड कर रहे हैं, सर्विस बाइक की हो गई है, बाइक एकदम चकाचक है। अभी चलते हैं। आज मैं टैंक बैग कैरी कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बारिश का फुल ऑन चांसेस है कि होगी, तो मेरा रेन लाइनर इसमें है एंड अबाउट 200 किलोमीटर्स एक साइड है, तो उसका भी रिस्क नहीं लेंगे। अभी निकलते हैं, ये अपन, ये हो आप, लेट्स गो। टाइम हो रहा है अभी 5:15 सुबह का, 5:15, एंड हेयर वी गो। मीटिंग पॉइंट पर पहुँचना है 5:30 पे, तो वहाँ पहुँचते हैं एंड आपसे मिलते हैं आज व्लॉग की स्टार्टिंग डायरेक्टली बाइक से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज शिखर। कैसे हैं आप सब लोग? चलो सो भाई लोग, वी आर ऑन द वे। अभिषेक भाई चल रहे हैं आगे आगे और हम चल रहे हैं साथ साथ पीछे पीछे। टाइम हो गया है 5:30, हम वहाँ पे पहुँच जाने चाहिए 9:30 बजे तक, उसके बाद बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे आपको, खुद भी देखेंगे। चलो चलते हैं, अभी अंधेरे में तो खैर क्या ज़्यादा कुछ दिखने का है नहीं, तो ये क्रॉस कर लेते हैं एक बार, थोड़ा थोड़ा चांदना निकलता है, फिर उसके बाद वापस मिलते हैं। तो भाई लोग थोड़ा थोड़ा सनराइज हो गया है, टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हम लोग पहुँच गए हैं अभी एयरपोर्ट रोड पर। अभी ये रोड बहुत ही मज़ेदार सुंदर रोड है, सीधा सीधा नहीं जाएंगे इसी रोड पर, तो एयरपोर्ट क्रॉस करके हम लोग निकल जाएँगे श्री सेलम हाईवे पर। गूगल भैया बता रहे हैं अभी 3.5 घंटा और, ETA बता रहे हैं 9:40, बट आई थिंक हम लोग पहुँच जाएंगे उससे पहले। तो भाई फाइनली वी आर ऑन द हाईवे, दिस इज श्री सेलम हाईवे। यहाँ से सीधा 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 आराम से चलते रहेंगे, ये हाईवे तक पहुँचने में हालत ख़राब हो जाती है यार बाइक पे ना, हैदराबाद में ये चीज़ ख़राब है। अगर आपको कार है तो आप सीधा आउटर रिंग रोड पकड़ो और निकल जाओ, लेकिन अगर हमारे ऐसे बाइकर वाले टाइप के लोग हैं तो भाई लगने वाली है। अभी हम लोग रुकते हैं चाय पीने के लिए, चाय मारेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, दुकान है वहाँ पे, चलो चाय पीते हैं फिर उसके बाद आपको वापस बाइक पे मिलते हैं। तो भाई चाय डन, फटाफट एक क्विक ब्रेक। मेरी बाइक का टायर बेचारा पीछे का रो रो के बोल रहा है कि मुझे चेंज कर दो भाई, मुझे चेंज कर दो, करना पड़ेगा। चलो यार, बाइक कल ही वॉश करवाई थी मैंने भाई, क्या हालत होगी इसकी। चलो भाई लेट्स गो। अरे पूरा कह रहे तो है कि हमारी बिल्डिंग में वो वॉशिंग का है अंदर ही पार्किंग में, तो वहीं जाके खुद ही वॉश कर सकते हो, जाके पानी मार दूंगा फटाफट। भाई श्री सेलम के हाईवे पे वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग का मजा भी ले लो। इतने से एरिया में बारिश हुआ है क्या पीछे? बस आगे तो वापस सूखी है रोड। फर्स्ट पॉइंट इज हियर, GS 850 और KTM 390 एडवेंचर, दो लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, कोई को उल्टी करके लगाते हैं है ना, ताकि निकालने में इजी रहेगा। अब एक तो हेलमेट में दिखता भी नहीं है पीछे यार। तो भाई नाश्ता डन, अभी चल रही है कॉफ़ी, मौसम ज़बरदस्त हो रखा है यार, ये देखो एकदम बादल बादल हो रहे हैं, बारिश अभी तक तो नहीं हुई। अभिषेक भाई भी यही बोल रहे हैं कि अभी बारिश नहीं होनी चाहिए, सही मौसम रहे बस, क्योंकि वो रेनकोट भी नहीं लेके आए तो हो गई तो मुझे डर हो जाएगा। ठीक मजा है, भाग रहे हैं, अगर आप वो देखो वहाँ पे बाइक्स भाग रहे हैं दोनों। चलो कॉफ़ी पीते हैं, अबाउट 120 किलोमीटर्स और है, कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते हैं। टाइम क्या हो गया, टाइम पता नहीं कुछ हुआ रहेगा, 7:40। चलो ठीक है, 9:30
9:45 तक पहुंच जाएंगे। अरे पूरा रेडी होने के बाद याद आता है ग्लव्स रह गए, ग्लव्स पहनने के बाद याद आता चाबी रह गई है। चलो भाई ब्रेकफास्ट डन, फटाफट ग्लव्स पहन लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं। चलो भाई हाँ डन। चलो लेट्स गो। भाई लकीली बारिश फिलहाल तो रुक गई है, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से हो जाएंगे हम लोग राइट और श्रीसैलम। यानी स्ट्रेट रोड कहाँ जाता है कुछ आइडिया है क्या? अच्छा स्ट्रेट में, हाँ हाँ सीधा कहाँ गया? वारंगा, हाँ ये वारंगा हाईवे रहेगा। ओके सो अब यहाँ से हम लोग आ जाएंगे भाई टाइगर रिजर्व के एरिया में। अभी थोड़ी देर में प्रॉपरली पूरा टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो जाएगा। टाइगर वहाँ पे नहीं दिखेगा फॉर श्योर, लेकिन हाँ पूरा जंगल के बीच में जरूर जाएंगे। लुक एट दिस यार, मतलब आप देखो क्या मस्त लग रहा है। वाओ अभी यहाँ पे बाइक है, रोक लेते हैं एक मिनट के लिए। देखो वाओ क्या नज़ारे हैं यार। सिर्फ देखो यार क्या बढ़िया जगह है, ये देखो बस पानी गिर रहा है। इसके पीछे जो है ना, इसके जो पीछे पूरा का पूरा वो है रिजर्वर जो पूरा पानी से फुल रहता है। जस्ट ये देखो पूरा दूर तक सुपर, वहाँ ऊपर खड़े होने का जगह भी है। बट अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमें आगे थोड़ा लंबा जाना है। ये अपनी बाइक से ओ अभिषेक भाई करे, मस्त जगह है, मस्त सुपर। अभी चलते हैं आगे, चलो फटाफट। यार मन नहीं कर रहा है लोकेशन छोड़ के जाने का, लेकिन जबरदस्त लोकेशन है। बादल पहाड़ों पर आ रखे हैं और अभी हमें वहीं जाना है। हम लोग बेसिकली उसी पहाड़ पे जाने वाले हैं। अभी मैं और अभिषेक यही बात कर रहे थे कि भाई ये बादल है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये बारिश है तो यहाँ से ऐसी दिख रही है तो बहुत मज़े आने वाले हैं। देखते पहुँच के मालूम पड़ेगा भाई क्या है, पर चांसेस बारिश के लग रहे हैं भाई। लो भाई अपन अभी गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं। एक्चुअली कितने सारे गेट आते हैं भाई टाइगर रिजर्व के? अच्छा ये टोल लग रहा है कार के लिए, बाइक का सही है, बाइक ये मामले में सबसे बेस्ट है। फोर एरिया में आ गए, जहाँ पे टाइगर बिल्कुल नहीं दिखेगा वो एरिया में आ गए हम तो। भाई पूरा पोल ही नीचे आ गया है तो, अरे कैसा, अरे ये खतरनाक है, उसके ऊपर वायर अभी भी लटकी हुई है। अभी हम लोग एकदम टॉप के बीच में आ गए, क्या मस्त वेदर हो रहा है यार, एकदम हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है अब। वाह यार ये हैदराबाद में ऐसा वेदर फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। अरे बहुत ही ज़्यादा हो गया यार आगे तो।
करेक्ट करेक्ट। तो वो फॉग ही थी, मतलब बारिश नहीं था। चलो अब बहुत ज़बरदस्त है यार, क्या मज़ेदार, अब क्या बात है भाई। अरे ये तो खतरनाक हो गया, ज़बरदस्त। अब आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए थे। सरप्राइज खोल दिया जाए। सरप्राइज खोल दिया। अब ये देखो आप भाई साहब, लुक एट दिस, क्या जबरदस्त पानी जा रहा है यार। खतरनाक। तो एक दो तीन चार पांच गेट छोड़ के आई थिंक एक दो तीन चार पाँच छह गेट खुले हुए हैं। यही रास्ता आगे पूरा निकल जाता है। अगर आप यहाँ से देखोगे, वो देखो जो रोड जा रही है ना, वो पूरी रोड निकल जाती है आगे श्रीशैलम। और नॉर्मल ज़बरदस्त जगह है, मस्त मौसम और बढ़िया जगह। लुक एट दिस, डक्स घूम रही हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, अभी भी हल्की हल्की बारिश चल रही है यार। है 2 लीटर का है, छोटा नहीं है। अरे यार चल दे दे भाई, अभी भी हल्की हल्की बारिश है तो गोप्रो नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। हल्की हल्की मतलब ठीक ठाक है यार। ये देखो, अगर आपको थोड़ी बहुत दिख रही है बारिश, तो अभी जब बारिश कहीं रुक जाएगी तो उसके बाद फिर वापस कैमरा निकाल के फिर आगे का दिखाते हैं। वैसे तो वही रास्ता है जहाँ से आए हैं, उसी रास्ते से आना है। अभी बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी जैसी बारिश रुकेगी तब दोबारा कैमरा ऑन करेंगे। अभी पीते हैं फटाफट चाय, बोलते हैं बाय बाय और यहाँ से निकलते हैं। We had a quick water break. अभी चलते हैं वापस। यहाँ से घर रह गया है अबाउट 100 किलोमीटर्स, 105-106 कुछ है। अब यही रोड जो हाईवे है, यहाँ से हमें लेफ्ट लेके सीधा निकल जाना है। उसके बाद आई थिंक आगे जाके राइट लेंगे, फिर आगे अपने हाईवे पे। चलो भाई जाओ जी। ये क्या हुआ? अच्छा, अब उसके ऊपर कोई बॉटल पड़ी थी, उसके ऊपर से निकले। अरे क्या भाई, टायर वायर तो नहीं फट गया? भाई घर अभी रह गया है अबाउट 40 मिनट, बस बारिश होने के चांसेस हैं बहुत कम है। मुझे पता नहीं यार, मुझे कैमरा निकाल के रखना पड़ेगा या नहीं। अगर रखना पड़ा तो इस ब्लॉग को यहीं क्लोज कर देते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।